अस्सलामु अलैकुम। आज हम बनाएंगे पत्ता गोभी अंडा कीमा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं बनाने के लिए। तो हमने 500 ग्राम पत्ता गोभी ले लिए, इसे अच्छे से हमने धो लिए है और इसे ग्रेट कर लेते हैं, यानी कद्दूकस। तो हमने अच्छे से कट कर लिया इसे, और इसके अंदर हमने हरे मटर के दाने डाल दिए है। अब पैन में डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून तेल। 2 से 3 चम्मच तेल हमने डाल दिए है। इसमें डालेंगे 2 हरी मिर्च, तोड़कर डाल देते हैं, और इसे हल्का सा सोटे कर लेते हैं मिर्च को। मिर्च को हल्का सा हमने सोटे कर दिया। इसमें हम डाल देते हो पत्ता गोभी और हरे मटर, और इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। 1 मिनट तक हम अच्छे से इसे भूजेंगे पत्ता गोभी को और हरे मटर को। अब इसमें हम डालेंगे 3 से 4 टमाटर। 1 मिनट हो गए हमें भूजते। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच काली मिर्च, जीरे का पाउडर, सभी को हम डाल देते हैं। और इसी के अंदर डालेंगे 1 चम्मच अदरक का पेस्ट ग्रेट किया हुआ है। इसे 1 से 2 मिनट तक अच्छे से हम पका लेते हैं। 1 से 2 मिनट हो गए हमें भूजते हुए, ढक्कन से कवर कर देते हैं। 3 से 4 मिनट हो गए ढक्कन कवर किए हुए। अब इसे ढक्कन को हम खोल देते हैं और अच्छे से इसे मैश कर देते हैं। पत्ता गोभी को अच्छे से हम मैश कर देते हैं। अच्छे तरीके से गल चुका हमारा गोभी भी, अच्छे से गल चुका है, हरे मटर भी अच्छे से पक चुका है। अब इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा हरा धनिया और अच्छे से मिक्स कर देते हैं। हरा धनिया डालने के बाद, हरा धनिया डाल दिया। अब इसमें हम डालेंगे 2 अंडे फोड़ कर। पत्ता गोभी हमारा कम है इसलिए हमने 2 अंडे डाले हैं, आप ज्यादा भी अंडे डाल सकते हो। अब अच्छे से इसे हम मिक्स कर देते हैं और 1 से 2 मिनट तक अच्छे से अंडे को पका लेते हैं सब्जी के अंदर। अच्छे से पकाना, जब तक हमारा तेल ना छोड़ दे तब तक इसे हम कीमे को अच्छे से पकाएंगे। तो 1 से 2 मिनट हो गए हमें पकाते हुए, अच्छे से तरीके से हमने पका लिया है। अब थोड़ा सा इसमें हम हरा धनिया डाल देते हैं। तो हरा धनिया हमने डाल दिया, अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो तैयार हो गया हमारा पत्ता गोभी अंडा रेसिपी। पत्ता गोभी अंडा कीमा तैयार हो गया, चलते हैं फटाफट से सर्व कर लेते हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें।